पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से आर्थिक मदद नहीं लेती है और ना ही इसके एवज में उनको राज्यसभा आदि में भेजती है तथा ना ही उनको आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए उनके हिसाब से अपनी सरकार की नीतियां बना के अपनी सरकार चलाती है, बल्कि इसके स्थान पर बीएसपी अपनी सदस्यता के जरिए व अन्य विभिन्न मौक़ों पर पार्टी के सामर्थ्यवान लोगों से भी पार्टी की सदस्यता के जरिए ही उनसे पार्टी के लिए आर्थिक मदद भी लेती है। इतना ही नहीं बल्कि पार्टी के ऐसे लोगों से ही बीएसपी ने समय समय पर देश में कोरोना व बाढ़ पीड़ितों आदि जैसे अन्य और ज़रूरतमंद लोगों की भी विभिन्न रूपों में सीधा मदद भी करवाई है, ये सभी को मालूम है। लेकिन इससे खासकर कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के बारे में यह बात सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी अपनी आम जनसभाओं में व यहाँ तक अपनी चुनावी जनसभाओं में भी अपनी भीड़ जुटाने के लिए ज़्यादातर दिहाड़ी पर ही लोगों को लाती है। अर्थात जिस दिन कांग्रेस पार्टी की कोई रैली आदि होती है तो फिर खासकर दिहाड़ी में कार्य करने वाले मजदूर लोग बहुत खुश होते हैं और वे कहते हैं कि हमें आज काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कांग्रेस पार्टी की रैली में जाने के लिए बिना कार्य किए ही आज उन्हें ज़्यादा दिहाड़ी मिल जाएगी, ऐसा वो कहते हैं, तथा बढ़िया बढ़िया खाना भी मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी का भीड़ जुटाने का कल्चर है। इससे समझा जा सकता है कि देश में आज कांग्रेस पार्टी के जनाधार की कितनी बुरी हालत है। इसके साथ ही देश के किसी भी राज्य में जब विधानसभा का आम चुनाव होता है या देश में लोकसभा का भी आम चुनाव होता है तो तब इनको खासकर यूपी जैसे कमज़ोर राज्यों में आसानी से चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार तक भी नहीं मिलते हैं। उनको खड़ा करने के लिए फिर कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि से आर्थिक मदद लेकर उनको पैसा देकर खड़ा करती है, अधिकांश उनको पैसा देकर खड़ा करती है। इसलिए अधिकांश इनके उम्मीदवारों को जीतने हारने से कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि वो तो ये मानकर चलते हैं कि अब हमारे घर का कुछ समय तक का खर्चा चल जाएगा जो उनको चुनाव लड़ाने के लिए वो पैसा देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की दयनीय हालत नहीं है तो और क्या है, जबकि वहीं दूसरी तरफ बीएसपी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। अर्थात बीएसपी कांग्रेस की तरह पैसा देकर पार्टी के लोगों को चुनाव में टिकट नहीं देती है, बल्कि चुनाव पर खुद अपना पैसा लगाने वाले लोगों को ही अधिकांश टिकट देती है, जिनका पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए हर प्रकार से योगदान होता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में जो बुकलेट जारी की है, यदि ये पार्टी इस बुकलेट में अपनी विरोधी पार्टियों पर कोई भी टीका टिप्पणी करने के साथ साथ अपनी इन सब कमियों को भी वर्णित कर देती तो ये बेहतर होता। अर्थात इस पार्टी द्वारा दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय इनको पहले अपने घर को ही ठीक कर लेना चाहिए, ये भी मेरी इनको सलाह है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जब देश में लोकसभा व किसी भी राज्य में विधानसभा का आम चुनाव होता है तो खासकर पार्टी के मजबूत राज्यों में एक एक सीट पर कई कई उम्मीदवार पार्टी का टिकट चाहते हैं। यानी कि बीएसपी के बारे में मैं बता रही हूँ तो खासकर पार्टी के
मजबूत राज्यों में एक एक सीट पर, तो कई कई उम्मीदवार बीएसपी का टिकट चाहते हैं, जिसमें कुछ उम्मीदवार आर्थिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर भी होते हैं। इसके अलावा कुछ उम्मीदवार टिकट तो ले लेते हैं, यानी कि पार्टी का टिकट तो ले लेते हैं, लेकिन चुनाव में ज़रूरत के हिसाब से पैसा खर्च नहीं करते। तब फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही मजबूरी में आपस में चंदा इकट्ठा करके उन्हें चुनाव लड़ाना पड़ता है। इसे भी खास ध्यान में रखकर तब हमारी पार्टी को मजबूरी में पार्टी के ऐसे उम्मीदवारों से चुनाव लड़ने के लिए उनसे कुछ एडवांस में ही पैसा भी जमा कराना पड़ता है, और फिर उसी पैसे को उनके चुनाव पर ही पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा खर्च कर दिया जाता है, जिससे हर चुनाव में विरोधी पार्टियां इसी प्रकार गलत तरीके से प्रचारित करती हैं और बीएसपी की छवि को धूमिल करने का भी वो पूरा प्रयास करती है, हथकंडे अपनाती हैं और बीएसपी की इमेज को ख़राब करती हैं। वैसे भी हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी व अन्य पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है। ये भी सर्वविदित है कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी व अन्य पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, जैसे दूसरी पार्टियां होती हैं, बल्कि गरीब और मजलूमों की पार्टी है। उन्हीं की ही थोड़ी थोड़ी आर्थिक मदद से अपनी पार्टी को चलाती है, जो गरीब मजलूम हैं उन्हीं की आर्थिक मदद से पार्टी को चलाती है। ये सभी पार्टियां बीएसपी के बारे में अच्छी प्रकार से जानती हैं, इसलिए बीएसपी के बारे में ऐसे कुछ भी गलत प्रचार करने से पहले इनको कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है। ये भी पार्टियां जानती हैं और हमारे लोग भी जानते हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं। इसके अलावा इन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारी पार्टी हर वर्ष अब मेरा जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाती है। लेकिन इससे पहले क्या होता था, जब मेरा जन्मदिन होता था तो मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी मेरे जन्मदिन पर पार्टी के अधिकांश लोग तो महंगे कपड़े व गहने आदि मुझे देते थे, जिसे ध्यान में रखकर फिर हमने ये फैसला लिया कि आप बीएसपी सदस्यता की किताबें ले जाएं, जो मुझे कीमती कपड़े और गहने देते थे, तो उसे ध्यान में रखकर फिर हमने ये फैसला लिया कि आप बीएसपी सदस्यता की किताबें ले जाएं, जितने के आप मुझे कीमती गहने कपड़े आदि देना चाहते हैं तो उतने के आप अपने क्षेत्र से बीएसपी के सदस्य बना के वो पैसा आप मुझे पार्टी को आर्थिक सहयोग के रूप में दे सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। उसके बाद से अब हम इस मौके पर अपने लोगों को हर वर्ष बीएसपी सदस्यता की किताबें दे देते हैं। लोग फिर उसके जरिए हर वर्ष पार्टी को खुशी खुशी से काफ़ी आर्थिक मदद भी करते हैं। लेकिन इसे भी कांग्रेस जैसी अन्य पार्टियां भी काफ़ी गलत तरीके से, जब मेरा जन्मदिन होता लोग पार्टी को आर्थिक सहयोग देते हैं, तो उसे भी कांग्रेस पार्टी सहित ऐसी मानसिकता वाली जो अन्य पार्टियां हैं, तो इसे भी गलत तरीके से प्रचारित करती हैं। बुकलेट में कहा कि आज यूपी में वो सत्ता में, आप लोगों को मालूम है, उसकी बुकलेट को पढ़ने से ऐसा लगता है कि वो सत्ता में आने के लिए कितने तड़फ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को अपने गिरेवान में झांक कर देखना चाहिए। जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद शुरू में लंबे अरसे तक यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार पूर्ण बहुमत के साथ वो सत्ता में रही, लेकिन इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होने की वजह से फिर लोगों ने इस पार्टी को छोड़ दिया और तभी हमें बीएसपी बनानी पड़ी और बीएसपी की तरह अन्य और पार्टियां भी बनी। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जो कांग्रेस की का जो आज हाल बेहाल है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हमारी पार्टी नहीं है, दूसरी पार्टियां नहीं है, जो अन्य विरोधी पार्टियां हैं, इसके लिए सही मायने में जिम्मेवार
कांग्रेस पार्टी की खुद गलत नीतियाँ, कार्यशैली, उनकी कथनी करने में अंतर, ये सब कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेवार है। अब अपनी कमियों को छिपाने के लिए वो किस्म किस्म के हथकंडे अपनाए, तो मैं समझती हूँ यूपी की जनता ये सब बातें अच्छी प्रकार से जानती है। चाहे वो एक बुकलेट जारी करे या दो करे, तो मुझे नहीं लगता कि जनता के ऊपर कोई असर पड़ने वाला है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि किताब में और क्या लिखा है तो मैंने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा किसी एक दो चैनल में आ रहा था तो उसको ध्यान में रखकर तो मैंने ये सोचा इसका जवाब देना ज़रूरी है। इतना ही नहीं बल्कि आज मैं किसी एक चैनल में हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है, राज्यसभा सांसद हैं, श्री एससी मिश्र, उनका इंटरव्यू देख रही थी, जिसमें उनसे बार बार मेरा उत्तराधिकारी के बारे में पूछा जा रहा था कि आपकी बहन जी का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो उस चैनल को जो उनसे पूछ रहा था, उस चैनल के इंटरव्यू पूछने वाले को मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक है, मुझे अभी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो तब मैं ज़रूर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगी, ये भी मैं उनको बताना चाहती हूँ। और जब उत्तराधिकारी, जब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा या मैं इस लायक नहीं रहूँगी कि मैं पार्टी को चला पाऊँ, और जब मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूँगी तो उस चैनल को भी बता दिया जाएगा, पूरे देश को बता दिया जाएगा। लेकिन जब मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूँगी तो मेरा उत्तराधिकारी केवल दलित वर्ग से ही होगा, ये बात मैं कई बार कह चुकी हूँ और आज मैं इस बात को फिर दोहराना चाहती हूँ कि जब भी मैं अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी बनाऊँगी या मेरा जो उत्तराधिकारी होगा तो वो केवल दलित वर्ग से ही होगा, जिन्होंने हर मुश्किल की घड़ी में मेरा व पार्टी का पूरी ईमानदारी व पूरे तन मन धन से साथ दिया है। पार्टी में बड़े उतार चढ़ाव आए, लेकिन जो दलित वर्ग के लोग हैं वो टस से मस नहीं हुए। तो जब भी उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, जब लगेगा कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरा स्वास्थ्य खराब है, अभी तो मैं फिट हूँ बिल्कुल, और मुझे अभी बरसों तक, काफ़ी वर्ष लगेंगे मुझे अनफिट होने के लिए, मैं तो फिट हूँ। और कुदरत की वजह से पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा है और अभी भी कोई ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मुझे तो कोई कोरोना जैसी भी बीमारी नहीं हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग इस किस्म का प्रचार करते हैं, बार बार मिश्रा जी को घेर रहे थे कि भाई उत्तराधिकारी, अभी तो मैं फिट हूँ बिल्कुल, स्वास्थ्य मेरा ठीक है। तो और उन्हें ये मालूम होना चाहिए, जब मान्यवर कांशीराम जी जीवित थे और जब तक वो ठीक रहे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, जब उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा था तो तब उन्होंने मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाया था। मीडिया अच्छे प्रकार से जानता है, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए वो इस किस्म के वो हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मेरा मीडिया को भी यही कहना है और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी को कि ये जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं बुकलेट के जरिए, बुकलेट हो या फिर नाटकबाजी करें या आए दिन आकर वो गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठ जाएं या फिर कहीं पर कोई अन्याय अत्याचार हो जाए तो वहां चले जाएं, तो इससे कुछ नाटकबाजी से होने वाला नहीं है। जनता सब जानती है, जनता को ये मालूम है कि यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, तो बीएसपी ने, आपको मालूम है कि कभी भी वो अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है। बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह वो कभी भी अपना चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, क्योंकि बीएसपी कहने में कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। तो इसलिए जब मुझे 4 बार यूपी में गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला तो मैंने वो ऐतिहासिक कार्य किए सर्व समाज के लिए, चाहे सभी धर्मों और सभी वर्गों के लिए, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, सभी के लिए मेरी सरकार ने वो ऐतिहासिक कार्य किए
कि जो पूर्व में किसी भी पार्टी की सरकार ने नहीं किए, अब जो वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है या पूर्व में सपा की सरकार रही, वही मेरी नीतियों को थोड़ी उनको अदल बदल के वो उनको घोषित करती है। लेकिन घोषणा करने से काम नहीं चलेगा, वो तो इम्प्लीमेंट करने से चलेगा। चाहे वो मेरी कितनी भी नकल करने, नकल का तभी फायदा होगा जब वो जमीनी तौर पर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब हालांकि ये चुनाव है, चुनाव नज़दीक आ रहा, कुछ ही महीने बचे हैं, इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे, तो इसलिए मुझे बीच बीच में मीडिया के बीच में जाकर हमारे लोग गुमराह ना हो तो मुझे ये बातें कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।